हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए मैं 2 से 3 बड़े लेटेस्ट और अपडेट लेकर आया हूँ, जिसमें पहला बड़ा अपडेट आपकी एडिशनल पेंशन एडिशनल फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के है। साथ ही साथ कई सारे कमेंट्स हैं, जो आपके कमेंट्स आए थे काफी दिनों से, मैं उनका आंसर नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। 18 मंथ्स के DADR पर साथ ही साथ जो हायर पेंशन है वो कब मिलेगा, क्या अपडेट्स आए हुए हैं, पूरा डिटेल में जानेंगे। बने रहिए आप हमारे चैनल पर, और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी, और आप हमारे चैनल पर इसी तरीके से आगे भी वीडियो देख पाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एडिशनल पेंशन और फैमिली पेंशन का जो प्रोसीजर है वो आपको 80 ईयर्स के बाद ही है। साथ ही साथ बहुत सारे पेंशन ऐसे भी हैं जिनको अभी 80 साल की सर्विस पूरी करने के बाद भी अभी तक उनको एडिशनल पेंशन नहीं दी गई है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारी गाइडलाइंस भी जारी की हुई हैं, जिनमें सबसे बड़ी गाइडलाइंस है कि मोस्टली पेंशनर्स के डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रहे हैं। अगर आपका भी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो तो आप जरूर देखिए उसमें। साथ ही साथ आप अपने ऑफिस में जाकर के, अपने CPCCs में जाकर के, या फिर आपकी जहाँ पेंशन डिसबर्समेंट होती है एजेंसी है, वहाँ पर जाकर देखिए कि आपका नॉमिनी मिसमैच तो नहीं है, क्योंकि कई बार PPO में नॉमिनी मिसमैच हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट ईयर ही, जैसे सपोज कोई पेंशनर्स अगर 1963 का है तो सिर्फ 1963 लिखा हुआ है, मंथ और ईयर और जो डे है उसमें नहीं लिखा गया है, जिसके चलते एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है उनको, गवर्नमेंट को, कि क्या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रहे हैं, क्या सारी चीज़ें हैं जिसके चलते उनके पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। तो आप ये सब चीज़ें अपने पहले करेक्ट करिए, और इसके बाद में आप एडिशनल पेंशन का फिर से सारे अपडेट्स करिए, और आपको एडिशनल पेंशन जरूर मिलेगा। आपको एडिशनल पेंशन इसके पर एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही थी, पिछले कुछ दिनों एक मीटिंग हुई थी जिसमें एडिशनल पेंशन पर कई सारी चर्चाएं हुई, जिसमें 65 वर्ष से एडिशनल पेंशन देने की बात की जा रही थी, जिसमें 65 वर्ष में 5%, 70 वर्ष में 5% एक्स्ट्रा, 75 वर्ष में 5% और 80 वर्ष में, जैसे आपको पता है कि 75 से 79 ईयर्स के बीच में फिर से 5% बढ़ोतरी देने की बात की गई थी। हालांकि गवर्नमेंट का रिप्लाई इसमें नहीं आया था, और मैटर जो है अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन अगर ऐसा होता है 65 वर्ष से पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा राहत की खबर होगी, और पेंशनर्स की काफ़ी हद तक पेंशन इसमें बढ़ सकती है। अब बात करते हैं 18 मंथ्स के DODR की, क्योंकि एक पेंशनर से कमेंट पूछा कि 18 मंथ्स के DA के बारे में स्पेशल वीडियो बनाएं, तो मैं आपको बता दूंगा 18 मंथ्स का DADR मिलने के चांसेस बहुत कम है। हालांकि यूनियंस और फेडरेशंस लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बातचीत कर रहे थे, और कई बार जो मीटिंग्स हुई उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर के अधिकारी, DOPT के अधिकारी, साथ ही साथ यूनियंस और फेडरेशंस के अधिकारी भी उसमें थे, और वहां पर 18 मंथ्स के DODR के बारे में बातचीत की गई है। और हालांकि गवर्नमेंट पहले भी रिटर्न ऑर्डर में बोल चुकी है कि 18 मंथ्स का DODR का जो एरियर्स नहीं मिलेगा, लेकिन यूनियंस और फेडरेशन लगातार इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रही थी, और इसके कोई ना कोई जो भी आउटपुट निकल कर आएगा वो हम आपको जरूर बता देंगे। साथ ही साथ एक कमेंट और था कि हायर पेंशन कब मिलेगा, तो आपको हायर पेंशन तभी मिलेगा जब आप 80 ईयर्स की सर्विस पूरी कर चुके होंगे, या 100 ईयर्स आप पूरा कर चुके होंगे तब आपको 100% पेंशन मिलेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो पेंशनर्स हैं वो 60 ईयर्स से 79 ईयर्स के बीच में ही हैं, जिसके चलते यूनियंस और फेडरेशन ने सरकार से कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि उनको हायर पेंशन दी जाए, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी हायर पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। फिटमेंट फैक्टर भी एक बड़ा फैक्टर है, जिसमें अगर बढ़ोतरी होती है तो फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने के बाद भी आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि आपको फिटमेंट फैक्टर सातवें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से 2.57 गुना मिल रहा है, लेकिन इसे बढ़ोतरी में 3.68 गुना तक की जा रही है। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, हम आपको जरूर बता देंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपकी एडिशनल पेंशन या फैमिली पेंशन आपको अभी तक मिली है नहीं मिली है, या आप अपना PPO चेक करिए, डेट ऑफ बर्थ चेक करिए, नॉमिनी चेक करिए, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन सारी चीजें हैं वो एक बार चेक करिएगा, तभी आपकी एडिशनल पेंशन और पेंशन आपको खातों में मिलेगी। या अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम आपको उसका नेक्स्ट वीडियो में आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा, ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।